कार्यक्रम जो रखा गया है उसका है पूर्वांचल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, मैं करता हूँ आधे घंटे में। ये इसलिए रखा गया है कि चंडीगढ़ के अंदर नगर निगम का इलेक्शन जो हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं सभी पार्टियां पूर्वांचल के लोगों को दरकिनार किया है और उस जगह पे किया है जहाँ पे पूर्वांचल के वोट 85% 65% 70% वहाँ से बाहरी उम्मीदवारों को भेजा गया, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये नहीं कि हम लोग लुक छुप कर विरोध कर रहे हैं, हम लोग खुला विरोध कर रहे हैं। और उस जगह पे हम लोगों ने अपना एक निर्णय बनाया है कि हम लोग आज़ाद फ्रंट को समर्थन करें, किसी पार्टी को नहीं करें। आज कांग्रेस के पूर्वांचल सेल के चेयरमैन के होने के नाते मैंने 6 टिकट का दावेदारी भी किया था और मांगा भी था, तो इन्होंने 2 ऐसी टिकटें दिया, एक जन्नत जहां को जो टिकट मिली है इंदिरा कॉलोनी से, तो हमें जवाब मिली कि वो पूर्वांचल की धरती से। मैं अनवारुल हक जी को चैलेंज देता हूं इस मंच से कि अगर वो पूर्वांचल के धरती से हैं तो मात्र 5 मिनट भोजपुरी में, शुद्ध भोजपुरी में भाषण दे दें या लोगों को संबोधन कर दें, मैं मानने के लिए तैयार हूँ वो पूर्वांचल के धरती। लेकिन यहाँ होती क्या है कि पैसे वालों को वोट दिया जाता है, पैसे वालों को टिकट दिया जाता है। मैंने स्पेशल एक लेटर पैड पे, पूर्वांचल के लेटर पैड पे दिया लास्ट 3 तारीख को कि आप हमारे वार्ड पे तिवारी जी को भेजिए 20 नंबर वार्ड, लेकिन उसको भी नकारा गया। तो मैं किस चीज़ का पूर्वांचल का चेयरमैन, जब पूर्वांचल की बात को आप नहीं मानते। आज जब मैं लोगों से वोट मांगने जाऊँगा तो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप पूर्वांचल के चेयरमैन हो, पूर्वांचल को टिकट नहीं दी गई, तो लोग वो सवाल भी सही है उनकी कि मुझे वो वोट क्यों देंगे और पूर्वांचल के लोग क्यों वोट देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया है, पूछता है पूर्वांचल। तो पूछता ही नहीं है पूर्वांचल, जो स्थिति इनकी चलती है थूकता है पूर्वांचल इनके ऊपर, इन सभी पार्टियों पर पूर्वांचल थूकती है, पूछती नहीं है थूकती भी है। और कल से खुला इस 20 नंबर वार्ड में हम लोग आज़ाद उम्मीदवार के साथ चलेंगे, क्योंकि हमने इस वार्ड के लिए मांग किया और हमें इस वार्ड से मतलब यहाँ पे हम दिन रात एक करेंगे इस वार्ड के लिए और यहाँ से हम निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। अब हमारे बड़े भाई तिवारी जी पहले ही बगावत छेड़ रखे हैं और बड़ा जोर शोर से आज भी सुनने में आया है कि 500 लोगों को कहीं ना कहीं आज़ाद उम्मीदवार के साथ जोड़ने का काम किया है। इसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं कि पूर्वांचल का आवाज़ बराबर समय समय पे उठाते रहें। मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं खिलाफ क्यों हूँ मैं बता रहा हूँ। 2011 में इसी वार्ड से 33 नंबर वार्ड थे और तिवारी जी को टिकट दी गई, उस समय यही कांग्रेस के लोग जो हल्लो माजरा के अंदर थे वो लोग तिवारी जी की बगावत किए थे। तो जब कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को नहीं जीतने देना चाहते हैं तो हम लोग किस आधार पर कांग्रेस के यहाँ उम्मीदवार को स्वीकार करेंगे, जबकि 75% नहीं 85% यहाँ पर उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, उम्मीदवार कह रहे हैं वोटर कांग्रेस के हैं, 5% गाँव के लोग हैं, 10% लोग आके बसे थे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ गाँव के, क्योंकि गाँव के लोगों ने हमारा आदर सम्मान किया है, जब हम लोग आए हैं तो हम लोग इसी गांव में श्रेय और आश्रय लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सहयोग रहा है। लेकिन जब बात वोटर की आती है तो जहां जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको ध्यान रखना चाहिए पार्टियों को। हम उन उम्मीदवारों का खिलाफ नहीं कर रहे, हम पार्टी का खिलाफ कर रहे हैं। और समय मिलने पे इसी वार्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि इसके बाद वाले वार्ड में भी जहाँ हमारे मित्र लोग खड़े होंगे आज़ाद से, मैं वहाँ भी उनका समर्थन करूँगा पूर्वांचल के चेयरमैन होने के नाते। सम्मानित मंच आए हुए हमारे पत्रकार बंधुओं, आपको नमस्कार। जैसे रमेश जी का आदेश हुआ कि पूछता है पूर्वांचल का एक प्रोग्राम है, उसमें आप आइए, इन्होंने सब कुछ बता दिया। हमारा वो नगर निगम 2021 के चुनाव में ओपन वो है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, पहले मेरे को भी टिकट दिया, टिकट देने का भी काम ये करते हैं और हरवाने का भी काम यही करते हैं। तो
इस बार टिकट भी नहीं दिए। 5 साल हम लोग इनकी जिंदाबाद मुर्दाबाद, इनके लिए लाठियां खाते हैं, पानी की बौछारें खाते हैं, जेल जाते हैं, ये पैर दर्ज करवाते हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपना रोजी रोजगार को छोड़कर लगे रहते हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की एक पुरानी पॉलिसी रही है कि जब व्यक्ति का कद बड़ा होने लगता है, उनको ये दिखता है कि नहीं, ये कल को कहीं ना कहीं हमारे लिए राजनीतिक खतरा पैदा होगा, तो वो लोग दूसरा व्यक्ति को वहाँ खड़ा करना शुरू कर देते हैं। आज से नहीं, आज से आ रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे पूर्वांचल के भाई लोग भी जुम्मार हैं, मैं भी जुम्मार हूँ। तो उसी कड़ी के अंतर्गत में मेरी भी टिकट काट दी गई, और भी हमारे भाई थे, जैसे रमेश शर्मा जी भी उसके उम्मीदवार थे, और भी भाई थे। कम से कम हम लोगों ने एक डिमांड किया था कांग्रेस पार्टी से कि 12 टिकट पूर्वांचल के लोगों को जो कॉलोनियों के अंदर में है उनको दिया जाए। 12 लोगों की क्या जो आवाज़ उठाया उसी की टिकट हमारे माननीय श्री पवन कुमार बंसल जी और सुभाष चावला जी ने काट दिया। सुभाष चावला जी की 1996 में जब नगर निगम बना, तब से ही पूर्वांचल विरोधी इनकी गतिविधियां रही। समय समय पर उनका बयान, उनकी कार्यशैली झलकती रही। उसके अंदर में मैं महामंत्री था, तो समय समय पर मेरी भी उनकी किसी ना किसी बात के लिए थोड़ी सी अनबन होती रही। और माननीय हमारे बंसल जी मंत्री महोदय उनके अधीन आ गए, सुभाष चावला जी प्रॉपर एक षडयंत्र के तहत इन्होंने टिकट काटी। टिकट काटने के बाद ये चाहते थे कि मैं घुटना टेक कर बैठूँ, तो जब मेरे साथ जनता जनार्दन है तो मैं घुटना टेक कर क्यों बैठूँ। हमने अपने एक निर्णय लिया कि चंडीगढ़ इस नगर निगम चुनाव में आजाद फ्रंट के नाम से, आप लोग की जानकारी होगी, रोज समाचार पत्रों में आ रहा है, 16 उम्मीदवार खड़ा किए हैं और प्रयास है कि कुछ हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, पूरी प्रयास हमारा चल रहा है। अभी मेरे को खुशी है कि हमारे पूर्वांचल एकता मंच के रमेश जी भी आज इन्होंने ऐलान कर दिया, तो हम दोनों भाई और भाई जुड़कर पूरी चंडीगढ़ में, क्योंकि अभी समय है, समय कर रहते हुए एक अलग जगाएंगे, और भगवान से भी ये प्रार्थना करते हैं कि ताकत दें, क्योंकि इनकी दरिया हम लोग बहुत ही झाड़ लिए, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाला 2024 में भी कहीं ना कहीं आजाद फ्रंट सब भाइयों का सहयोग मिलेगा, तो आगे की भी लड़ाई हम लड़ेंगे। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। यहाँ की जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो दोनों पार्टियाँ हैं, ये हमारे पुराने नेताओं को इग्नोर कर ये लड़वाना चाहते हैं, और हमारे आदरणीय तिवारी जी को और रमेश शर्मा जी को टिकट ना देकर इन्होंने बहुत भूल की है, इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। आगे से हम तन मन धन से श्री रमेश शर्मा जी और तिवारी जी के साथ रहेंगे, ये हमारा पूरा वादा है। मैंने ये कहा कि जहाँ जहाँ पूर्वांचल को नकारा गया है, उस जगह पे हम आजाद फ्रंट को, आजाद फ्रंट को आप सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। ये जहाँ हमारे भाई लोग हैं हमारे साथ, हम भाइयों से कांग्रेस में चलते हैं या बीजेपी में चलते हैं, आम आदमी पार्टी में लोग चलते हैं, जब हमारे साथ हमारा भाई नहीं रहेगा तो हम किसके लिए काम करेंगे जी। इसलिए अगर उसके लिए पार्टी भी छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ सकता हूँ, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, भाइयों को नहीं छोड़ सकता। आपको पता है क्या है? कुछ नहीं है, पता है क्या लिखा है? मैं क्या लेके आया हूँ आपको पता है? नहीं पता। अगर पता है तो कोई बता दे, कोई तांत्रिक है तो बता दे, कोई राजनीतिक पार्टी वाला है तो मेरे हाथ लेके आया। अगर इसको हमेशा ऐसे रखेंगे ना, आप भी नहीं बता सकते, कोई बड़ा से बड़ा बाबा, कोई तांत्रिक, कोई राजनीतिक पार्टी इसमें नहीं बताएगा। आज मैं हीरा लेके आया, आज मैं इसमें हीरा लेके आया, जो ले सकता ले। आज मैं 25 साल चंडीगढ़ में बिताया, लेकिन आज मैं कुछ देने के लिए आया। अब ये देखते हैं कि आज कौन लेता है। जवाब इस यही है कि जिस दिन ये रहें ऐसे बंधा रहेगा, वो जाट भवन क्या बना है, बिहार भवन भी बनेगा, पूर्वांचल भवन भी बनेगा,
लेकिन आपको जैसे ये रहना, जिस दिन ये खुल गया तो पांच उंगली है, बंधा है तो इसमें हीरा है कि मोती है क्या है पता नहीं। तिवारी जी जब पिछली बार नगर निगम के इलेक्शन में खड़े थे तो दूसरी साइड हरिशंकर तिवारी वो मिश्रा थे, तिवारी जी क्यों नई सीट छोड़ दिए? विखंडित होने का यही कारण जो आप सवाल कर रहे हैं, यही जवाब है कि जब तक ये विखंडित लोग होते रहेंगे, टुकड़े में बढ़ते रहेंगे, इसका जवाब तब तक यही होते रहेंगे। आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, तिवारी जी की जो सवाल आपने किया है तो आपको याद होगा 2011 में पहले कांग्रेस ने वहाँ पे घोषणा किया, पहले तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया गया था, उसके बाद हरिशंकर मिश्रा जी का दो दिन बाद घोषणा हुई थी। तो ये तो हरिशंकर मिश्रा जी को सोचना चाहिए था ना कि हमें वहाँ तो नहीं लड़ना है। ठीक है, उन्हीं को सोचना चाहिए, लेकिन आखिर वो भी तो पूर्वांचल तो थे ना। अगर आप इस मंच से सवाल उठा रहे तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। हमने तिवारी जी को छोड़ देना चाहिए था, हमें हम बता रहे ना आपको, इस बार हमें बोला गया कि आप धनाज जाइए, आप वहाँ से लड़िए, मैं टिकट दे रहा हूँ। मैंने कहा कि वहाँ से हमारा भाई पप्पू शुक्ला लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा, मैंने अपना त्याग किया है। सही बात, मैंने बोला कि मैं नहीं लूंगा, 3 तारीख को मेरे को दे रहे थे टिकट के, आप धनाज जाइए, मैंने कहा कि नहीं लूंगा जी, क्योंकि वहाँ से पप्पू शुक्ला मेरा भाई है, चाहे किसी भी पार्टी से, प्रेम पाल मेरा भाई है किसी भी पार्टी से, हमने वहाँ नहीं लिया टिकट। जब हमने तैयारी यहाँ किया, ग्राउंड यहाँ मेरा था, तो मैं वहाँ क्यों लड़ूँ? एक सवाल मैं मीडिया वाले से भी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो मीडिया वाले हमारे बैठे हैं उसमें पूर्वांचल के ही मीडिया वाले भाई बैठे हुए हैं, हमारी आवाज़ को मजबूत भी करना आपका ही फर्ज बनता है, और आप जब तक आप नहीं मजबूत करेंगे हमारी आवाज़ को, तब तक हम मजबूत नहीं हो पाएंगे उसमें, चाहे हम जितना संगठित हो, आपको भी मजबूत करना पड़ेगा। मुझे जो स्थिति अभी चल रही है चंडीगढ़ के अंदर, निर्दलीय का जो संख्या बढ़ा है, आपको क्या लग रहा है कि इससे पूर्वांचल में लोग जीत रहे हैं क्या? पूर्वांचल में लोग तो खंडित करने का काम उन्होंने कर दिया है, वो जीतने के लिए थोड़ी किया है, वो तो हराने के लिए किया है, अब लोग हार भी रहे हैं। पूर्वांचल के नेता जो जीतते हैं वो तो जिताने वाले पूर्वांचल ही है ना, वो अगर जीत भी गए तो उनको हम बोलेंगे ना कि अगर आप हमारे संगठन में नहीं आएंगे तो अगले बार हम आपके साथ नहीं, नेता तो हम ही बनाते हैं उनको, जब पूर्वांचल उनके साथ है तो नेता है, जिस दिन हम उनके साथ छोड़ दिए नेता नहीं है। एकता में तो उनको आना ही पड़ेगा। बीजेपी के बहुत पुराने लीडर माने जाते हैं लाल झा जी, अजय जी आए हुए हैं उनके लड़के, कट्टर बीजेपी के थे। कारण क्या रहा कि आज ये निर्दलीय फंड के साथ आए? कुछ ना कुछ कारण रहा ना जी, हम लोग कांग्रेस के थे, हम क्यों निर्दलीय के पक्ष में आए? कुछ ना कुछ कारण तो रहा ना जी, इसलिए पूछता है पूर्वांचल, यही तो पूछ रहा है पूर्वांचल उन्होंने।